जय श्री राधा रानी। एक बार श्री राधा रानी कान्हा से मिलने निकुंज बन जा रही थी। उनकी सखियों ने उन्हें बहुत सुंदर सजाया था। दिव्य मणियों और रत्नों वाला उन्होंने लहंगा पहना था। राधा रानी जिस रास्ते जाती उनका लहंगा कभी तो वह ब्रजभूमि को छूता तो कभी लताओं को, कभी तो पत्तों को। ऐसा लग रहा था कि पूरी प्रकृति उन्हें छूना चाहती है। वहाँ एक सूखा पेड़ था जिसमें एक सूखी पत्ती लगी थी जो राधा रानी को छूना चाहती थी। उसने पूरे दिल से किशोरी जी का नाम पुकारा और फिर एक ऐसी हवा चली कि वह पत्ता राधा रानी के लहंगे में जा चिपका। सखियों ने कहा कि आप इस पत्ते को हटा दें, लेकिन राधा रानी ने कहा कि नहीं, जो भी मेरे शरण में गलती से भी आ जाता है मैं उसे अपने से कभी भी अलग नहीं करती। और वह पत्ता इतना भाग्यशाली था कि वह राधा रानी के लहंगे में चिपक कर निकुंज में प्रवेश पाता है, जिसके दर्शन देवता के लिए भी दुर्लभ है। उसी तरह इस वृंदावन में एक शुद्ध भक्त ही प्रवेश कर सकता है जिसके राधा रानी की कृपा हो, और बिना राधा रानी की कृपा के आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाते। जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्णा।